Click the bell icon to get latest videos from Ikeda. Hello friends. दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा जो चैप्टर है चार्ज ऑफ जीएसटी उसके क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज का ये हमारा पार्ट टू यानी कि दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो के अंदर हमने कुछ एमसीक्यूज और कुछ हमने ट्रू एंड फॉल्स वहां पर कवर किए थे। इस वाले वीडियो के अंदर हम टिपिकल क्वेश्चन और उनके आंसर्स यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो आपके मॉड्यूल से और कुछ दूसरे ऑथर्स के बुक से लिए गए हैं, आपके एग्जाम परस्पेक्टिव के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो के अंदर हम टिपिकल चार्ज ऑफ जीएसटी के ऊपर यानी कि जो आपके दो सेक्शंस हैं सेक्शन नंबर 9 है सेक्शन नंबर 10 है इन दोनों के ऊपर हम कुछ अच्छे क्वेश्चंस एंड आंसर्स देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस ऑन चार्ज ऑफ जीएसटी पार्ट टू वीडियो, लेट्स सी। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चंस हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 से हमने स्टार्ट किया है क्योंकि पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक सारे क्वेश्चंस वहाँ पर देखे थे। इसके बाद में 7th से कंटिन्यूटी बनाने के लिए यहाँ पर ये नंबरिंग की गई है। अब यहाँ पर जब हम इन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे तो जिन्होंने मेरे पुराने वीडियोज देखे हैं उनको पता होगा वी विल नॉट जस्ट सॉल्व दी क्वेश्चंस बट हम उनको उस पूरे तरीके से रिवाइज करेंगे। जो भी सेक्शन और प्रोविजन हमको वहाँ पर दिखेगा हम उस प्रोविजन को वहाँ पर डिस्कस करेंगे और उसके दूसरे रिलेटेड प्रोविजन कौन से हैं जो उसका आंसर नहीं है। सो लॉजिकली हम उसका आंसर पूरा वहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। इस तरीके से ही हम सभी क्वेश्चन आंसर्स करते हैं और वैसे ही अभी भी यहाँ पर हम करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, देखते हैं वो क्या बोल रहा है। सो क्वेश्चन 7, स्टेट पर्सन लायबल to pay GST provided recipient is located in the taxable territory. देखिए अब क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि आपको उस पर्सन का नाम बताना है जो GST पे करने के लिए लायबल है। अब लायबल टू पे GST मीन्स जिसको गवर्नमेंट को टैक्स कलेक्ट करके पेमेंट करना है ये किसकी लायबिलिटी है आपको उस पर्सन का नाम बताना है इन नीचे दिए गए सिचुएशंस के अंदर कंडीशंस के अंदर। अब यहाँ पर क्वेश्चन आगे क्या बोल रहा है प्रोवाइडेड, अब देखिए यहाँ पर मतलब इंटरेस्टिंग बात आ रही है, प्रोवाइडेड रिसिपिएंट इज लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी। मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो रिसिपिएंट है वो ऑलरेडी टैक्सेबल टेरिटरी में लोकेटेड है। अब इसका मतलब क्या होगा हमें ये समझना होगा कि ये सेंटेंस अगर नहीं दिया होता तो क्या होता और दिया है तो इससे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। अब देखिए जब हमसे ये बोला गया है कि स्टेट पर्सन लायबल टू पे जीएसटी तो इस क्वेश्चन को अगर हम ब्रेक करें तो वो पर्सन कोई भी हो सकता है, वो सप्लायर भी हो सकता है सर्विस प्रोवाइडर मतलब, और वो सर्विस रिसीवेबल भी हो सकता है, दोनों लोग हो सकते हैं, रिसिपिएंट हो सकता है और प्रोवाइडर भी हो सकता है। पर ये हमको कैसे पता चलेगा तो उसके लिए आपको ये ध्यान में रखना होगा कि सर्विस रिसिपिएंट जो है वो कब लायबल होता है। तो उसके लिए हमने रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पढ़ रखा है, जब भी कोई रिवर्स चार्ज की सिचुएशन एप्लीकेबल हो जाती है तो इन दैट सिचुएशन जो रिसिपिएंट है दैट पर्सन इज लायबल टू पे जीएसटी एंड नॉट द सप्लायर। दिस इज अनलाइक द नॉर्मल सिचुएशन जहां पर कोई भी सप्लाई अगर होती है तो जो सप्लायर है जो सप्लाई कर रहा है उसकी लायबिलिटी होती है, बट रिवर्स चार्ज में ऐसा उल्टा होता है कि जो रिसिपिएंट है वो लायबल होता है। सो यहाँ पर रिसिपिएंट जो है वो ऑलरेडी टैक्सेबल टेरिटरी में है, इससे क्या प्रूफ होता है। क्वेश्चन हमें हिंट दे रहा है कि यहाँ पर रिवर्स चार्ज के केस भी हो सकते हैं। सर आप रिवर्स चार्ज के केस ऐसा आपने कैसे इंटरप्रेट किया है सेंटेंस के थ्रू, तो चलिए थोड़ा सा इसको हम पीछे जाके समझते हैं। जब हमने रिवर्स चार्ज समझा था तो उसमें हमने देखा था कि अगर कोई एक नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में पर्सन है और दूसरा भी नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में पर्सन है, मतलब कि एक सप्लायर बैठा है सिंगापुर के अंदर और रिसिपिएंट बैठा है यूएस के अंदर, क्या दोनों टैक्सेबल टेरिटरी में है?
नहीं। क्या दोनों ही इंडिया से बाहर है? यस। तो क्या जीएसटी का इम्पैक्ट आएगा? नहीं आएगा। मतलब कि अगर आपको रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल करना है तो रिसिपिएंट से टैक्स दिलवाना है, तो रिसिपिएंट कहाँ पर होना चाहिए? आपका रिसिपिएंट टैक्सेबल टेरिटरी में होना चाहिए, तभी तो हम जो इम्पोर्ट होता है, जैसे कि इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज हमने किया, तो यूएस में बैठे बैठे किसी पर्सन ने मुझे कुछ सर्विसेज दी, अब मैं इंडिया में हूँ, मतलब कि मैं टैक्सेबल टेरिटरी में हूँ, इसीलिए तो गवर्नमेंट बोली कि आपने इम्पोर्ट करा है तो आप टैक्स भरो, यानी कि रिसिपिएंट टैक्स पे करेगा। इसीलिए तो बोला गया है कि जो पर्सन इम्पोर्ट कर रहा है वो रिवर्स चार्ज का एक टिपिकल सिचुएशन है, और वहाँ पर जो रिसिपियंट है, इम्पोर्टर है, वो लायबल होता है जीएसटी पे करने के लिए। इसीलिए जब इन्होंने इनडायरेक्टली क्वेश्चन में जब ये लिख दिया है कि जो रिसिपियंट है वो टैक्सेबल टेरिटरी में है, तो ये लिखने की ज़रूरत क्या थी? क्वेश्चन जब ऐसा लिख रहा है, इसका मतलब ये है कि डेफिनेटली रिवर्स चार्ज के केस आने वाले हैं, वो आपको ध्यान रखना होगा। इसके लिए आपको याद होना चाहिए लिस्ट ऑफ गुड्स और लिस्ट ऑफ सर्विसेज जो हमने रिवर्स चार्ज के अंदर पढ़ी हुई थी। तो लिस्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज को हम पूरा पूरा तो यहाँ पर नहीं देखेंगे, हम हमारी सिचुएशन देखेंगे और देखेंगे कि क्या वो उस लिस्ट में कवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चलिए देखते हैं फर्स्ट सिचुएशन हमको क्या दी हुई है, जिसमें हमको जो जीएसटी लायबल है पे करने के लिए वो पर्सन कौन है वो पता करना है। लेट्स सी। सो सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल टू एनी बिजनेस एंटिटी। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा ब्रेक करते हैं। कैसे? सर्विसेज बोला है सबसे पहले, ओके, मतलब कि यहाँ पर लिस्ट ऑफ सर्विसेज हमको चेक करना होगा, गुड्स तो नहीं है, ये बात पक्की है। चलिए तो थोड़ा हमने नैरो डाउन कर दिया हमारे सर्च को। प्रोवाइडेड बाय एन आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, अब जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है वो हमारा यहाँ पर कौन हुआ? सप्लायर हुआ, क्योंकि वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, क्लियरली दे रखा है हमको बाय एन आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल टू किसको कर रहा है? एनी बिजनेस एंटिटी। तो जो हमारा रिसिपियंट है वो कौन हो गया? वो हो गया कोई भी बिजनेस एंटिटी। और बिजनेस एंटिटी इंडिया के अंदर है या नहीं है ये हमको पता है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो रिसिपियंट है वो लोकेटेड कहाँ पर है? टैक्सेबल टेरिटरी के अंदर है, इसलिए वो इंडिया के अंदर है। सो यहाँ पर सर्विसेज है, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल दे रहा है, बिजनेस एंटिटी को देना है। अब हमें ये चेक करना है कि ये जो सर्विस है ये क्या लिस्ट ऑफ सर्विसेज में आती है कि नहीं आती। कौन सी लिस्ट ऑफ सर्विसेज? जो रिवर्स चार्ज के अंदर हमने कवर की है। सो चलिए देखते हैं, हमने लिस्ट ऑफ सर्विसेज में जो सेक्शन नंबर 9 है उसमें हमने देखा था कि गवर्नमेंट कुछ लिस्ट ऑफ गुड्स को और सर्विसेज को नोटिफाई करती रहती है टाइम टू टाइम कि अगर आपने उनमें डील किया तो उसमें जो रिसिपियंट है वो टैक्स पे करेगा, ना कि सप्लाई करेगा, मतलब कि रिवर्स चार्ज वहाँ पर एप्लीकेबल हो जाएगा। सो यहाँ पर लिस्ट ऑफ सर्विसेज के लिए हमने एक स्टोरी बनाई थी याद करने के लिए, और क्यों बनाई थी हमने? इसी मोमेंट के लिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जब आपको याद नहीं रहेगा कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल था कि नहीं था, कौन सा नाम था कि नहीं था। तो आप एक बार वो स्टोरी बोलिए मन में, आप उसको रिवाइज करिए, आप देखिए कि वो नाम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर वो आ रहा है तो डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली अगर रिवर्स चार्ज में वो आ गया है तो रिसिपियंट जो है उसको आप बोल दीजिए कि ये लायबल टू पे टैक्स है। अब देखिए, हमने स्टोरी देखी थी, हमने एक वर्ड बनाया था सागा, यानी कि जो बचपन से हम एक लॉन्ग टेल सुन रहे हैं, सागा जिसे हम कहते हैं। क्या सुन रहे हैं हम? कि जो बैंक्स हैं, अच्छे अच्छे कंपनीज के डायरेक्टर्स हैं, जो आर्टिस्ट हैं, यानी कि जो फिल्म स्टार्स हैं, सो ये सब क्या है? ये सब एजेंट्स हैं। और किसके एजेंट्स हैं? ये सब गवर्नमेंट के एजेंट्स हैं। तो इन सेपरेट ब्लॉक्स के अंदर हमने इनके एक एक दो दो बाइफिकेशंस बनाए थे और पूरी लिस्ट को कंप्लीट किया था। 12 आइटम्स की लिस्ट थी लिस्ट ऑफ सर्विसेज में। हम पूरा डीप में नहीं जा रहे हैं, हम देखेंगे बस आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल आता है कि नहीं आता है। तो सबसे पहला जो ब्लॉक था हमारा सागा, SAGA। एस से है स्पॉन्सरशिप, ए से है एडवोकेट सर्विसेज, जी से है गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसीज, और ए से है आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। मतलब कि दोस्तों ये बात तो पक्की है कि जो AT है, यानी कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है, वो अगर कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड करती है किसको? कोई भी बिजनेस एंटिटी को, तो उसमें रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल होगा और ट्रिब्यूनल लायबल नहीं होगा। जो लायबल होगा वो कौन होगा? वो होगा रिसिपिएंट, यानी कि हमारे वाले केस में जो बिजनेस एंटिटी है वो एप्लीकेबल इनके ऊपर हो जाएगा रिवर्स चार्ज, इसलिए ये हो जाएंगे लायबल
तो हमारा पहला आंसर होगा इन द फर्स्ट केस कि अगर आर्बिटर ट्रिब्यूनल सर्विसेज दे रहा है तो जो लायबिलिटी है टैक्स पे करने की दैट इज अपॉन बिजनेस एंटिटी जो रिसीव कर रही है. सो दिस वाज आवर फर्स्ट सिचुएशन. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सिचुएशन देखते हैं. स्पॉन्सरशिप सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अ कंपनी टू एन इंडिविजुअल. अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा. सर अभी अभी हमने देखा है सर सागा, और सबसे पहले आपने बताया सर एस से है स्पॉन्सरशिप. तो सर स्पॉन्सरशिप डायरेक्टली आ रहा है किसमें, रिवर्स चार्ज के लिस्ट ऑफ सर्विसेज के अंदर. इसकी वजह से सर यहाँ पर भी जो रिसिपियंट होगा वही यहाँ पर लायबल होगा टैक्स पे करने के लिए. तो सर स्पॉन्सरशिप सर्विसेज एक कंपनी ने दिए इंडिविजुअल को, तो सर इंडिविजुअल जो है वो सर यहाँ पर सर्विस रिसिपिएंट होने की वजह से उसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी. अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है, क्या ऐसा सोचना सही है कि गलत है? तो आइए देखते हैं कि ये जो स्पॉन्सरशिप वाला पॉइंट था लिस्ट ऑफ सर्विसेज में, उसमें कुछ स्पेसिफिक चीज़ मेंशन करी थी क्या? सो दोस्तों जब हम ये प्रोविजन अच्छे से स्टडी करते हैं कि ये जो स्पॉन्सरशिप रिवर्स चार्ज के अंदर इंक्लूड की गई है लिस्ट में, वहाँ पर कंडीशन क्या है, इसके अंदर कंडीशन थी स्पॉन्सरशिप सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अ कंपनी टू, ध्यान से सुनिएगा, बॉडी कॉरपोरेट और पार्टनरशिप फर्म. अगर इन दोनों को किया जाता है तो फिर ये रिवर्स चार्ज में होगी, बाकी किसी केसेस में नहीं होगी. तो सर यहाँ पर तो इंडिविजुअल को दिया जा रहा है, तो क्लियरली यहाँ पर इंडिविजुअल को देने की वजह से दिस इज़ नॉट अ केस ऑफ रिवर्स चार्ज, बट दिस इज़ अ केस ऑफ नॉर्मल फॉरवर्ड चार्ज. सो यहाँ पर जो रिसिपियंट है वो टैक्स के लिए लायबल नहीं होगा, बल्कि जो कंपनी है वो टैक्स के लिए लायबल होगी. तो यहाँ हमारा जो आंसर होगा दैट विल बी कंपनी प्रोवाइडिंग द स्पॉन्सरशिप सर्विस इज लायबल टू पे जीएसटी टू द गवर्नमेंट. ये पॉइंट हमने देखा है बी वाली सिचुएशन के अंदर. नाउ लेट्स सी सी. सो दोस्तों यहाँ पर जो लिखा हुआ है रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी सर्विस प्रोवाइडेड बाय द सीजी टू अ रजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी या यूनियन टेरिटरी, ये सब लोग जब सर्विस प्रोवाइड करते हैं किसकी, प्रॉपर्टी की, और इनको रेंट करने की किसको, ये एक नॉर्मल बिजनेस एंटिटी को ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. इस वाले सिचुएशन में सीधा सा क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि क्या रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा. मतलब कि अगर रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल हो गया तो यहाँ पर जो रिसिपिएंट है यानी कि जो बिजनेस एंटिटी है वो यहाँ पर लायबल होगी टैक्स पे करने के लिए, और अगर ऐसा नहीं है तो फॉरवर्ड चार्ज एप्लीकेबल हो जाएगा, मतलब कि नॉर्मल जो CGST है गवर्नमेंट है उनको टैक्स पे करना पड़ेगा. सो दोस्तों जब रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी हमने समझा था किसके अंदर, लिस्ट ऑफ सर्विसेज के अंदर, तो वहां पर हमने पॉइंट कवर किया था कि जो भी गवर्नमेंट की सर्विसेज है वो गवर्नमेंट की सर्विसेज रिवर्स चार्ज में आती है एक्सेप्ट दो तीन चीजें. तो ये है एक्सेप्ट वाला केस. सो जो एक्सेप्ट वाली सिचुएशन है वहाँ पर रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड किया था, मतलब कि उसके हिसाब से इसमें रिवर्स चार्ज नहीं लगना चाहिए. बट अगर आप आके देखेंगे लिस्ट ऑफ सर्विसेज में तो 5A अमेंडमेंट आया बाद में कि जितना भी रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट कर रही है सो वहाँ पर रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल हो जाएगा, और रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल होने की वजह से जो रजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी है वो यहाँ पर लायबल हो जाएगी टैक्स पे करने के लिए. सो दोस्तों इस पूरे क्वेश्चन के अंदर हमने देखा कि कौन सा पर्सन लायबल क्यों होगा और कौन होगा. सो यहाँ पर रिवर्स चार्ज के हमने दो केसेस देखे, बी वाला स्पॉन्सरशिप और घुमाने वाला था. आपको ध्यान देना पड़ेगा कि ऐसा कौन सा रिसिपिएंट है जो स्पेसिफाइड किया गया है उस लिस्ट के अंदर. यहाँ पर बॉडी कॉर्पोरेट और फर्म किया गया था तो रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल होता, इंडिविजुअल होने की वजह से नहीं हुआ है और कंपनी को टैक्स पे करना पड़ा है स्पॉन्सरशिप के ऊपर, और रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर भी यही हुआ है. सो ये तीनों पॉइंट हमने यहाँ पर कवर कर ली है. क्वेश्चन 7 हमारा डन है. चलिए बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8. अ पर्सन अवेलिंग CS यानी कि कंपोजिशन स्कीम. सो एक पर्सन है जिसने कंपोजिशन स्कीम को अवेल किया है, कहां पर है, हरियाणा. मैंने यहां पर स्टेट के नाम को बोल्ड में किया है, ये जानबूझ के किया है, हम देखेंगे क्यों. ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर क्रॉसेस important the turnover of 1 crore during the course of the year, that is he crosses the turnover of 1 crore in December.
ओके, नाउ द क्वेश्चन इज आस्किंग विल ही बी अलाउड टू पे टैक्स अंडर सीएस मींस कंपोजिशन स्कीम फॉर द रिमेंडर ऑफ द ईयर दैट इज स्टिल 31st of March. सो इसको हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं. ईयर है 2017-18. अब इस 2017-18 में कंपोजिशन स्कीम के लिए ऑप्ट कर चुके हैं. चलिए कंपोजिशन स्कीम के लिए थोड़ा सा हम रिवीजन करते हैं. यहाँ पर ये पूछ रहे हैं, पहले क्वेश्चन में सिचुएशन क्या थी है वो देखते हैं, कंपोजिशन स्कीम का प्रोविजन क्या बोलता है फिर वो देखेंगे, और दोनों को कंपेयर करेंगे, उससे हम सोल्यूशन निकालेंगे. सो क्वेश्चन बोल रहा है कंपोजिशन स्कीम 2017-18 में वो ऑप्ट कर चुका है और वो है इन द स्टेट ऑफ हरियाणा. अब हरियाणा के स्टेट में वो है और ये ईयर उसका चल रहा है, बट दिसंबर 2017 के अंदर क्या हुआ है कि उसका जो टर्नओवर है वो 1 crore से ऊपर निकल चुका है, क्रॉस कर चुका है. अब ये जो पर्सन है जो कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट कर चुका है, उसका कहना है कि जनवरी से लेकर जो मेरा मार्च तक का पीरियड है मुझे उसके लिए अभी भी कंपोजिशन स्कीम में ही टैक्स पे करना है, तो क्या ऐसा मैं कर सकता हूँ और क्या गवर्नमेंट उसको अलाउ करेगी. ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है. दिस इज द गिवन सिचुएशन. अब जब हम कंपोजिशन स्कीम की बात करते हैं तो प्रोविजन क्या बोलता है कि कंपोजिशन स्कीम के लिए आपको हमेशा प्रीवियस ईयर का, मतलब कि लास्ट प्रीवियस ईयर का टर्नओवर आपको चेक करना होगा. अगर वो 1 crore के नीचे होता है तो आपको करंट फिनेंशियल ईयर में आप कंपोजिशन स्कीम के लिए ऑप्ट कर सकते हो. मतलब एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए पिछले साल का टर्नओवर चेक करना होगा, और अगर वो पिछले साल का टर्नओवर 1 crore से नीचे है तो इस साल में आपको कंपोजिशन स्कीम के लिए आप ऑप्ट कर सकते हो. चलिए तो यहाँ पर इसको तो कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर चुका था, मतलब अगर हम बात करें 2016-17 में उसका 1 crore से नीचे का टर्नओवर होगा, तभी तो उसको 17-18 में सीएस मिला है. ठीक है, अब 17-18 ड्यूरिंग द ईयर फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 17-18, जिसमें कंपोजिशन स्कीम वो ऑप्ट कर चुका है, साल भर में उसका टर्नओवर 1 crore के नीचे ही रहना चाहिए, बट क्या हुआ है दिसंबर में अचानक से उसका टर्नओवर 1 crore के ऊपर निकल चुका है. नाउ तो प्रोविजन ये बोलता है कि जिस साल में आपको कंपोजिशन स्कीम चल रही है उस साल में जैसे ही आपका 1 crore के ऊपर से टर्नओवर निकलता है, फ्रॉम द नेक्स्ट डे आपका कंपोजिशन स्कीम खत्म हो जाता है. और कंपोजिशन स्कीम खत्म हो गया मतलब कि अब आपको नॉर्मल टैक्सेशन रेजीम को फॉलो करना होगा और आपको नॉर्मल टैक्स रेट के अंदर जीएसटी पे करना होगा. मतलब कि पिछले साल का टर्नओवर तो हम चेक करते ही है इस साल की एप्लीकेबिलिटी के लिए, बट जिस साल आपको कंपोजिशन स्कीम मिल चुकी है उस फिनेंशियल ईयर में भी ड्यूरिंग दैट फिनेंशियल ईयर आपका टर्नओवर 1 crore के नीचे ही रहना चाहिए. अगर उस साल में भी 1 crore के ऊपर आप निकल गए तो अगले दिन से आपका कंपोजिशन स्कीम समाप्त हो जाएगी और आप नॉर्मल स्कीम के अंदर आ जाओगे. सो ये हमारा क्वेश्चन जब हमसे पूछ रहा है कि विल ही बी अलाउड, नो ही वोंट बी अलाउड, उसको बिल्कुल ऐसा अलाउ नहीं किया जाएगा. चाहे जनवरी से मार्च तक का पीरियड आगे का जो भी बचा हुआ है उसमें उसको नॉर्मल टैक्स रेट के हिसाब से भरना होगा और उसको कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी. सो दोस्तों हमारा यहाँ पर आंसर ये होगा दैट ही वोंट बी अलाउड एज कंपोजिशन स्कीम लैप्सेस फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट डे व्हेन योर टर्नओवर क्रॉसेस 1 crore ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर. ये हमारा आंसर होगा. और इतना ही नहीं, आपको इसमें ये भी ऐड करना होगा कि जैसे ही आपने विड्रॉ कर लिया है, मतलब कि आपने 1 crore से ऊपर का टर्नओवर हो गया है, मीन्स कंपोजिशन स्कीम आपसे विड्रॉ कर ली गई है, तो इस दिन के 7 days के अंदर अंदर आपको एक लेटर देना होगा. किसको आपको भेजना होगा? गवर्नमेंट के पास में, दैट आई हैव विड्रॉन फ्रॉम द कंपोजिशन स्कीम एंड आई विल बी पेइंग टैक्स अंडर नॉर्मल टैक्सेशन रेट्स. इस तरीके से आपको पूरा आंसर बनाना होगा. सो दोस्तों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें हमने बात करी है कंपोजिशन स्कीम और उसकी एप्लीकेबिलिटी और उसका टर्नओवर कब कब हमको चेक करना होगा. सो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 8. चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन इस सीरीज के अंदर. चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है.
whether supplier is eligible for composition scheme provided turnover is less than 1 crore in previous financial year. देखिए जो जो conditions हमको पता है वो यहाँ पर यह fulfill हो रही है. उन्होंने बोला है कि ये जो supplier है ये CS के लिए apply कर सकता है कि नहीं कर सकता है, ये आप बताइए. तो हमें पहली condition क्या याद आती है, पहली condition हमें CS के लिए ये याद आती है कि 1 crore से नीचे का turnover होना चाहिए. तो बोल रखा उन्होंने कि 1 crore से नीचे का turnover है. सर इस साल में नहीं होना चाहिए, पिछले साल की बात कर रहे हैं हम. यस प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में उसका 1 crore से नीचे का ही टर्नओवर था, ये हमको दिया हुआ है. बट सर जहाँ तक हमको याद है इसके साथ में कुछ दूसरी कंडीशंस भी थी और कुछ दूसरे रेस्ट्रिक्शंस भी थे जिन्हें हम कहते थे नॉन एलिजिबल सप्लाइज. तो सर अगर आप उनमें डील कर रहे हो तो आपको कंपोजिशन स्कीम नहीं दी जाएगी. यस बिल्कुल नहीं दी जाएगी. तो सर हमसे जब ये पूछा जा रहा है कि ये सप्लायर एलिजिबल है कि नहीं है तो हमें इनको भी कंसिडर करना होगा. यस बिल्कुल करना होगा. इनको ध्यान में रखते हुए लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट सिचुएशन. वो क्या बोल रहा है, सो मोहन इज इंगेज्ड इन प्रोवाइडिंग ओनली, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, सिर्फ और सिर्फ लीगल सर्विसेज. सर्विसेज इज अगेन इंपॉर्टेंट वर्ड इन राजस्थान एंड इज रजिस्टर्ड इन द सेम स्टेट. तो राजस्थान में बैठ के वो सप्लाई कर रहे हैं सर्विसेज का और वहां पर वो रजिस्टर्ड भी है. चलिए ठीक है. अब यहां पर हमको ये देखना होगा कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो कंपोजिशन स्कीम में इंक्लूड नहीं की जाती है. तो चलिए इसको ऐसे आप याद करिए कि कितने टैक्स रेट्स हैं कंपोजिशन स्कीम के अंदर. कंपोजिशन स्कीम के अंदर हमने देखा है 1%, 5% एंड 1%. 1% इज फॉर मैन्युफैक्चरिंग, 5% इज फॉर फूड सर्विसेज एंड 1% इज फॉर ट्रेडर्स. ठीक है, यहाँ पर हमने कुछ एक्सेप्शन देखे थे. मैन्युफैक्चरिंग में पान मसाला नहीं आएगा, आइसक्रीम नहीं आएगी और टोबैको नहीं आएगा. अगर इनके कोई भी मैन्युफैक्चरर्स हैं तो उनको सीएस नहीं मिलेगा. फूड सर्विसेज मतलब सर अदर देन फूड सर्विसेज कोई भी सर्विस होगी तो वो कंपोजिशन स्कीम में इंक्लूड नहीं की जाएगी. मार्क किया जाए इस पॉइंट को. और ट्रेडर्स में हमने देखा था दिस विल बी ट्रेडर्स फॉर गुड्स, इनको 1% देंगे तो इनका काम चल जाएगा. ओके मतलब सर आपका ये कहना है कि सिर्फ फूड सर्विसेज मतलब कि सिर्फ और सिर्फ रेस्टोरेंट सर्विसेज वालों को ये कंपोजिशन स्कीम अप्लाई करने के ऑप्ट करने के लिए परमिशन दी गई है. यस बाकी कोई भी सर्विसेज को नहीं दी गई है. यस सर भले ही 1 crore से नीचे का टर्नओवर हो तो भी उनको मना कर देंगे. यस तो सर इस वाले सिचुएशन में ये पर्सन तो लीगल सर्विसेज दे रहे हैं और 1 crore से नीचे का टर्नओवर है तो भी सर इनको सीएस नहीं दिया जाएगा. सो सप्लायर इज नॉट अलाउड टू ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम इवन दो हिज टर्नओवर इज लेस देन 1 crore. व्हाई, बिकॉज दीज लीगल सर्विसेज एंड अदर ऑल सर्विसेज एक्सेप्ट रेस्टोरेंट और फूड सर्विसेज इज नॉट अलाउड अंडर कंपोजिशन स्कीम. सो दिस वॉज आर सिचुएशन नंबर ए जो मैंने आपको सॉल्व करके यहाँ पर बताई है. आगे चलते हैं. बी सिचुएशन क्या बोल रही है, सुगम मैन्युफैक्चरर्स मतलब मैन्युफैक्चरर है और कंपोजिशन स्कीम की बात चल रही है. तो सबसे पहले यहाँ पर रेट लिख लो, कभी हमसे रेट पूछ लिया आगे तो 1% है ये हमको याद है. और इसके एक्सेप्शन क्या है, हमने पान मसाला है, आइसक्रीम और टोबैको है, ये भी हमको ध्यान रखना है. सो सुगम मैन्युफैक्चरर्स हैज रजिस्टर्ड ऑफिस इन पंजाब ओके एंड हरियाणा ओके एंड सप्लाइज गुड्स इन नेबरिंग स्टेट्स. ओहो ठीक है, मतलब कि ये आसपास के स्टेट्स में सप्लाई कर रहे हैं. स्टेट वन में है, स्टेट टू में ये सप्लाई कर रहे हैं. इस टाइप की सप्लाई को बोला जाता है इंटर स्टेट सप्लाई. वेदर इंटर स्टेट सप्लाई इज अलाउड अंडर कंपोजिशन स्कीम, नो. जो पर्सन इंटर स्टेट सप्लाई में इन्वॉल्व है क्या उसको कंपोजिशन स्कीम के लिए ऑप्ट करने के लिए परमिशन दी जाएगी, नहीं दी जाएगी. सो दिस इज अ टिपिकल केस ऑफ इंटर स्टेट सप्लाईज एंड कंपोजिशन स्कीम एज पर सेक्शन नंबर 10 डज नॉट अलाउ
any supplier who is involved in interstate supply to opt for composition scheme. This is for sure. ये आपका आंसर रहेगा. मतलब ना ये पर्सन अलाउड है ना ये पर्सन अलाउड है. ये तो इसलिए नहीं अलाउड थे कि ये लीगल सर्विसेज में थे और रेस्टोरेंट सर्विसेज के अलावा और कोई सर्विस कंपोजिशन स्कीम के लिए नहीं दी गई है. और यहाँ पर नेबरिंग स्टेट्स यानी कि आप इंटरस्टेट सेल नहीं कर सकते हैं अगर आप कंपोजिशन स्कीम को अप्लाई करना चाहते हैं. सो ये हमने देखा है कंपोजिशन स्कीम के ऊपर. क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही इंपॉर्टेंट था. इसको अच्छे से पढ़िए और नोट्स बना के और इसी मैनर में अपनी थिंकिंग यानी थॉट प्रोसेस को रखिए तो कोई भी क्वेश्चन लॉजिकली गलत नहीं होंगे. चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ जो हमारा इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है. लेट्स सी दैट. सो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है. लेट्स सी. जेके एंटरप्राइजेस ओके ये कंपनी है. हैज टू रजिस्टर्ड बिजनेसेस वर्टिकल्स इन दिल्ली ओके. सो दोस्तों दिल्ली के अंदर दो वर्टिकल्स हैं उनके ऑलरेडी जेके एंटरप्राइजेस के. अब आगे इंफॉर्मेशन क्या है. इट्स एग्रीगेट टर्नओवर इंपॉर्टेंट वर्ड. हम हमेशा एग्रीगेट टर्नओवर ही चेक करते हैं. यस. सो एग्रीगेट टर्नओवर फॉर द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर मतलब पिछले फाइनेंशियल ईयर के प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के जो साल बीत चुका है उसका जो एग्रीगेट टर्नओवर है फॉर बोथ द बिजनेस वर्टिकल्स वॉज 90 लाख. ठीक है. इट विशेस टू पे टैक्स अंडर कंपोजिशन लेवी फॉर वन ऑफ द वर्टिकल इन द करंट ईयर वाइल द अदर अंडर नॉर्मल लेवी फॉर अदर वर्टिकल. यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइस जेके एंटरप्राइज वेदर ही कैन डू सो. मतलब कि इनका कहना है कि वर्टिकल नंबर 1 प्लस वर्टिकल नंबर 2 दोनों का टर्नओवर इज 90 लाख इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर which is obviously less than 1 crore so he can opt for composition scheme. और उसने opt किया भी but उसका कहना है कि मैं यहाँ पर ही composition scheme follow करूँगा दूसरे vertical में नहीं करूँगा. तो question आपसे पूछ रहा है कि क्या वो ऐसा कर सकता है. मतलब कि क्या सिर्फ एक ही vertical में वो कंपोजिशन स्कीम को फॉलो कर सकता है और दूसरे में नॉर्मल करेगा. ऐसा हो सकता है क्या. ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है. चलिए देखते हैं प्रोविजन क्या बोलता है. सो दोस्तों कंपोजिशन स्कीम का सेक्शन ये बोलता है विच इज सेक्शन नंबर 10 कि हमेशा कंपोजिशन स्कीम को जब अप्लाई किया जाएगा तो वो यूनिफॉर्मली तरीके से किया जाएगा. मतलब कि ऑल ओवर इंडिया बेसिस पर चलेगा और जो भी आपका सेम पैन नंबर के अंडर जितने भी आपके रजिस्टर्ड वर्टिकल्स कहे ब्रांचेस कहे जो भी होगा अगर इन सब का टर्नओवर मिलाकर 1 crore से नीचे है तो आप बिल्कुल कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट कर सकते हैं. मैंने बोला है जिनका पैन नंबर सेम है ऑल ओवर इंडिया उन सबका मिला के टर्नओवर 1 crore से नीचे होना चाहिए. मतलब सर पैन नंबर सेम होना चाहिए. सर हमें इस क्वेश्चन में कहीं भी ये नहीं दिया है कि पैन नंबर इनका सेम है. ओके पैन नंबर सेम है ये तो नहीं दिया है बट ये तो दिया है ना कि इन दोनों का मिला के 90 लाख से टर्नओवर कम है. मतलब कि 1 crore से कम है और टोटल 90 लाख है. तो सर ये अप्लाई तो कर सकते हैं कंपोजिशन स्कीम. इसमें कोई दिक्कत नहीं है. कंपोजिशन स्कीम अप्लाई बिल्कुल कर सकते हैं बट यहाँ पर यूनिफॉर्मली अप्लाई करना होगा. मीन्स या तो दोनों में यस या फिर दोनों में नो. आप ऐसा नहीं कर सकते किसी एक में आप कंपोजिशन स्कीम चलाएंगे और दूसरों में आप नॉर्मल टैक्स पे करेंगे. दिस इज नॉट पॉसिबल. और यहाँ पर हम अज्यूम करेंगे कि दोनों का पैन नंबर एक ही है. सो पैन नंबर एक होने वाली जितनी भी एक एंटिटी की ब्रांचेस है या वर्टिकल्स है उन सबका मिला के एग्रीगेट टर्नओवर चेक करिए और फिर देखिए कि सभी में एक जैसा एप्लीकेबिलिटी चलेगी. अगर एक में कंपोजिशन स्कीम है तो सब में चलेगी. अगर एक में नहीं करना है तो किसी में भी आप नहीं कर सकते हैं. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है आपने यहाँ पर इस बात पे ध्यान नहीं दिया कि यहाँ पर जो स्टेट हमको दिया हुआ है वो है दिल्ली. तो आपको ये भी चेक करना है कि स्टेट यहाँ पर बराबर है कि नहीं. अगर यहाँ पर दिल्ली की जगह और कोई दूसरा स्टेट होता लेट्स से यहाँ पर होता असम तो यहाँ पर ये क्वेश्चन ही पूरा गलत हो जाता.
क्यों? क्योंकि आसाम के लिए जो लिमिट है दैट इज ऑफ 75 लैक्स, दोनों का मिला के 90 लैक्स का टर्नओवर हो रहा है, तो एक वर्टिकल तो छोड़ो, कोई भी वर्टिकल में कंपोजिशन स्कीम उनको एप्लीकेबल नहीं होती। बट यहाँ पर दिल्ली होने की वजह से 1 करोड़ का लिमिट चेक किया जाएगा, जिससे वो उनका कम है, और इसकी वजह से उनको एप्लीकेबल तो है बट वो यूनिफॉर्मली नहीं कर रहे हैं जेके एंटरप्राइजेस। इसलिए हमारी ये एडवाइस रहेगी उनको कि जो भी करिए सबके साथ एक जैसा करिए। इफ़ यू वांट टू अप्लाई कंपोजिशन स्कीम टू योर एंटिटी देन यू हैव टू अप्लाई इट यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द एंटिटी टू योर ऑल वर्टिकल्स एंड ऑल ब्रांचेस। इसकी वजह से दोनों ही वर्टिकल्स पे उनको या तो फॉलो करना होगा या नहीं करना होगा, एक एक वाला ऑप्शन वो नहीं कर सकते। दिस इज आर प्योर एडवाइस टू हिम। सो दोस्तों ये था क्वेश्चन नंबर 10, जहां पर हमने देखा कंपोजिशन स्कीम की एप्लीकेबिलिटी कैसे यूनिफॉर्मली हमको करनी होती है। इसी के साथ में हमने क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और 10 ऐसे 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने इस वीडियो के अंदर कवर कर लिए हैं। सो दोस्तों इसी के साथ में हमारा ये वीडियो में 4 क्वेश्चंस हमने यहाँ पर कवर कर लिए हैं। पार्ट 2 जो हमारा था इस पूरे चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर्स का, वो भी यहाँ पर ख़त्म होता है। आई होप आपको ये तरीका पसंद आ रहा होगा। एक वीडियो में हमने सारे MCQ और ट्रू और फॉल्स हमने कवर करे, दूसरे वीडियो में हमने सॉल्व करने वाले कंसेप्चुअली लॉजिकली क्वेश्चंस को डिस्कस किया केस स्टडी के तरीके से, जो आपको क्वेश्चन पेपर में जैसे पूछे जाते हैं। मैंने यहाँ पर मॉड्यूल के क्वेश्चंस इसलिए कवर किए हैं बिकॉज यू कैन रिलेट देम, आपके पास आंसर्स भी सामने होंगे, उसी सीक्वेंस में सभी क्वेश्चन आंसर्स हमने डिस्कस करे हैं लॉजिकली, तो आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से रिलेट हो पाया होगा। सो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आपको वीडियोस पसंद आ रहे होंगे, अगर आ रहे हैं तो ई किड़ा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि जब भी हम नए वीडियोज बनाएं तो आप तक पहुंच सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।